अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगा हाइलक्स रेवो जी मैनुअल एडिशन। हमारे पास जो इसकी पुरानी प्राइस आ रही थी 65,49,000 रुपीज़, इसकी जो नई प्राइस आ रही है 64,29,000 रुपीज़। जो डिफरेंस इसका हमारे पास आ रहा है 1,20,000 रुपये का रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा हाइलक्स रेवो जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसकी जो पुरानी प्राइस थी हमारे पास 68,99,000 रुपीज़, जो नई प्राइस आ रही है 67,79,000 रुपीज़। जो डिफरेंस आ रहा है 1,20,000 रुपये का रहे। इसके बाद मैं बात करूंगा हाइलक्स रेवो जी वी ऑटोमेटिक एडिशन, इसमें हमारे पास जो ओल्ड प्राइस थी 74,99,000 रुपीज़, जो न्यू प्राइस हमारे पास आ रही है 73,79,000 रुपीज़। जो हमारे पास इसमें डिफरेंस आ रहा है वो है हमारे पास 1,20,000 रुपये। इसके बाद मैं बात करूंगा टोयोटा यारस की, टोयोटा यारस जेलाई मैनुअल 1.3, पुरानी प्राइस 25,09,000 रुपये, नई प्राइस 24,09,000 रुपये, डिफरेंस 1,00,000 रुपये का। यारस जेलाई ऑटोमेटिक 1.3 26,89,000, पुरानी प्राइस नई प्राइस इसके हमारे पास आ रही है 25,89,000 रुपीज़, जो डिफरेंस सेम 1,00,000 रुपये का रहे। यारस के तकरीबन तमाम वेरियंट्स में 1,00,000 रुपये का डिफरेंस आ रहे। यारस ए टी आई वी मैनुअल 1.3 26,19,000 रुपये, पुरानी प्राइस नई प्राइस 25,19,000 रुपये, डिफरेंस 1,00,000। यारिस ए टी आई वी ऑटोमेटिक 1.3 27,69,000 रुपीज़ इसकी ओल्ड प्राइस है, 26,69,000 रुपीज़ इसकी न्यू प्राइस है, 1,00,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद यारिस ए टी आई वी एक्स मैनुअल 1.5 28,29,000, पुरानी प्राइस है इसकी 27,19,000 रुपीज़, इसकी न्यू प्राइस है 1,10,000 रुपीज़ इसका डिफरेंस आ रहा है। यारिस ए टी आई वी एक्स ऑटोमेटिक 1.5 29,99,000 रुपीज़ पुरानी प्राइस है, 28,99,000 रुपीज़ इसकी नई प्राइस है। तो इसमें भी हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है हमारे पास 1,00,000 रुपये का। इसके बाद मैं बात करूंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर की, फॉर्च्यूनर 2.7 G एडिशन 79,99,000 रुपीज़, ओल्ड प्राइस इसकी आ गई, न्यू प्राइस हमारे पास इसकी आ रही है 76,49,000 रुपीज़, 3,50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास इसमें। उसके बाद मैं बात करूंगा फॉर्च्यूनर 2.7 VVTi, इसकी जो हमारे पास पुरानी प्राइस थी 92,99,000 रुपीज़, जो न्यू प्राइस आ रही है 88,99,000 रुपीज़, 4,00,000 रुपये का इसमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 हमारे पास जो पुरानी प्राइस थी 96,49,000 रुपीज़, जो न्यू प्राइस आ रही है 92,69,000 रुपीज़, 3,80,000 रुपये का इसमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा होंडाई निशाट की, जो कार प्राइसेस चेंज हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहला हमारे पास जो वेरिएंट आ रहा है टसॉन GLS स्पोर्ट्स फ्रंट व्हील, उसकी जो हमारे पास पुरानी प्राइस थी 50,99,000 रुपीज़, नई प्राइस 49,79,000 रुपीज़ आ रही है, जो डिफरेंस 1,20,000 रुपये का रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा टसॉन अल्टीमेट ऑल व्हील्स, इसकी हमारे पास जो पुरानी प्राइस थी 55,99,000 रुपीज़, जो न्यू प्राइस आ रही है 54,69,000 रुपीज़, 1,30,000 रुपये का इसमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं बात करूंगा हुंडई एलेंट्रा 2.0L की, उसमें हमारे पास जो पुरानी प्राइस थी 40,49,000 रुपीज़, न्यू प्राइस 38,99,000 रुपीज़, 1,50,000 का इसमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा ग्लोरी 580 कार प्राइसेस की, ग्लोरी 580 प्रो 1500 CC टर्बो इंजन के साथ 46,99,000 रुपीज़ में आपके पास पहले अवेलेबल थी, अभी उसकी जो न्यू प्राइस है 46,10,000 रुपीज़, जो डिफरेंस आ रहा है 89,000 रुपीज़ का रहा है। फिर मैं बात करूंगा ग्लोरी 580T 1500 CC टर्बो इंजन, पुरानी प्राइस 42,99,000 रुपीज़, न्यू प्राइस 42,29,000 रुपीज़, 70,000 का डिफरेंस। ग्लोरी 580 1800 CC, इसकी जो पुरानी प्राइस थी 44,49,000 रुपीज़, न्यू प्राइस हमारे पास आ रही है 43,79,000 रुपीज़, और हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है हमारे पास 70,000 रुपीज़ का। इसके बाद मैं बात करूंगा यूनाइटेड कार्स की, इसमें हमारे पास दो वेरिएंट्स आते हैं, यूनाइटेड ब्रावो, उसकी जो पुरानी प्राइस थी 10,99,000 रुपये, पुरानी प्राइस थी 10,30,000 रुपये, न्यू प्राइस है 69,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। देन मैं बात करूंगा यूनाइटेड एल्फा की, यूनाइटेड एल्फा हमारे पास 14,45,000 रुपीज़ में पहले अवेलेबल थी, अभी जो न्यू प्राइस है 13,50,000 रुपीज़ इसकी न्यू प्राइस है, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास है 95,000 रुपीज़ का।
अभी मैं बात करूंगा प्रिंस डीएफएस के प्राइसेस की, उसमें हमारे पास जो पहला वेरिएंट है प्रिंस पर्ल आती है 11,99,000 रुपये की, पहले में अवेलेबल थी, अभी न्यू प्राइस आ रही है 11,11,000 रुपये। जो डिफरेंस आ रहा है वो 80,000 रुपीज़ का आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा K07 की, 1000 cc कार है हमारे पास, 14,49,000 रुपये पुरानी प्राइस थी, 13,69,000 रुपीज़ इसकी न्यू प्राइस आ रही है। इसमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो है हमारे पास 80,000 रुपीज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो रिमेनिंग कार प्राइसेस थी वो आज मैंने एक ही वीडियो बना के उसके अंदर सबको मेंशन कर दिए। आप पूरी वीडियो चेक करें, इसमें जो हमारे पास 7 डिफरेंट कंपनीज हैं उन लोगों ने जो प्राइसेस चेंज की हैं वो सब की सब मैंने इस एक वीडियो में डिस्कस कर दिए। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप और भी कार्स के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप किसी भी टाइम फ्री मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।